मेरे लिए, हम भारतवासियों के लिए प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण की रक्षा ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। विकास भी हो सकता है, पर्यावरण का विस्तार भी हो सकता है, पर्यावरण का लाभ भी हो सकता है। प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना, प्रकृति की रक्षा करना, यह हमारा सहज स्वभाव होना चाहिए। इस बार की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। मेरी आप सभी से अपील है, इस थीम के भाव को, इसके महत्व को समझते हुए हम सब यह सुनिश्चित करें कि हम पॉलीथीन, लो ग्रेड प्लास्टिक का उपयोग न करें। आज हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बचा के रखा, इसके कारण मिला है। हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में देना, ये हम लोगों की दायित्व है। इस पर्यावरण दिवस पर हम सब इस बारे में सोचें कि हम अपने प्लेनेट को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, हम इस बार रिकॉर्ड वृक्षारोपण का लक्ष्य ले सकते हैं। और केवल वृक्ष लगाना ही नहीं, बल्कि उसके बड़े होने तक उसके रखरखाव की व्यवस्था करना।